से हमारे बहुत पुराने साथी जगदीश शेट्टर जी को और चिकोड़ी से हमारे अन्ना साहेब शंकर जोले जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। और आप जब इनके लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो मोदी को मजबूत बनाएंगे, मोदी को मजबूत बनाएंगे, मोदी को मजबूत बनाने के लिए घर घर जाएंगे, मोदी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, सुबह 10 बजे के पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर। आपसे मेरा आग्रह है, हमें सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और हर पोलिंग बूथ जीतना है। जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बताओ, मेरा एक काम करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे? पक्का करेंगे? एक काम करना, घर घर जाइएगा और हर घर में जाके कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है, मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। जब मेरा नमस्कार आप पहुंचाएंगे ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा और हर परिवार का आशीर्वाद मेरे लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है। और जब नई ऊर्जा बन जाता है तो मैं पूरी शक्ति के साथ आपके सपनों को साकार करने के लिए अपनी जिंदगी खपा देता हूं, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद मोदी जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी बात। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक से आज चुनावी सभाओं की शुरुआत हो गई है। बेलगावी से बेल्लारी तक जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, ऐसे चार कार्यक्रम आज होने वाले हैं प्रधानमंत्री के, दो दिन तक दक्षिण भारत में रहने वाले हैं। और एक बार फिर करारा हमला बोला गया राहुल गांधी पर पीएम की तरफ से, कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण है, कांग्रेस के शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया, कांग्रेस पर पीएम मोदी ने इस तरह से फिर एक बार हमला बोला। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा, मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है? साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर
वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टिकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हिमाचल की वादियों में सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। बात कर रहे हैं पवित्र अपवित्र पर आई मंडी की सियासत की। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह की अपवित्र वाली टिप्पणी पर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने जोरदार हमला बोला है। इस रिपोर्ट को देखिए। पुरुषों को जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। कभी महिला विरोधी बयान तो कभी पहनावे पर सवाल, कभी खान पान पर झूठा नैरेटिव तो कभी सनातन पर वार। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक कटाक्ष अब निजी हमले में बदल गए हैं। हार के डर से बौखलाए एक के बाद एक कांग्रेसी नेता निजी हमले करने लगे हैं। कांग्रेस नेता और मंडी से उम्मीदवार विक्रमादित्य लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत भी जमकर जवाब दे रही हैं। यानी हिमाचल में वार पलटवार तेज हो गया है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि हिमाचल के शहजादे ने उन्हें अपवित्र कहा है, जिसका जवाब हिमाचल की जनता देगी। इस तरह की बातें सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र हो गया। किसी कलाकार के बारे में इतनी नीच सोच रखना, किसी बहन के बारे में जिसने संघर्ष करके ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाई, भाई बहनों को पढ़ाया। मेरी बहन पे एक्सीडेंट में एसिड अटैक हुआ था, उनका इलाज करवाया, ना कि सिर्फ इतना ही किया जबकि पूरे प्रदेश को जो है पूरे देश में सम्मान दिलाया। इस तरह की बातें मेरे बारे में करते हैं कि तू पवित्र होकर आ। जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। कंगना रनौत ने अमीर और गरीब का मामला उठाकर भी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विक्रमादित्य पर तंज कसा और कहा कि अमीर घराने के लोगों को गरीबों के विकास होने से परेशानी होती है। जाहिर है, हमें पता चलता है कि महिलाओं की क्या दशा है इस वक्त। दोस्तों, एक तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि ये अमीर घरों के बच्चे हैं, ये हर तरह की सुख सुविधाओं में पले बड़े हैं। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने पहनावे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उनके पहनावे से दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं को तो उनका सांस लेना भी खटक रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने कंगना के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी की थी। यहाँ तक कि मैं कोई ड्रेस पहन लूं किसी क्षेत्र की, उसको लेकर भी
मुझ पर टिप्पणियां हो रही हैं, अभद्र बातें हो रही हैं कि जैसे फिल्म की वो शूटिंग कर रही है। ये बात भी मेरी इनके आंखों में खटक रही है, हर बात जैसे मेरी इनकी आंखों में खटकती है, मेरा तो मात्र सांस लेना ही इनकी आंखों में खटक रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई हो। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने बीफ खाने को लेकर भी बीजेपी और कंगना पर तीखा हमला बोला था, जिस पर कंगना ने मनाली में जोरदार जवाब दिया था। हिमाचल की मंडी सीट पर मतदान 1 जून को होना है, लेकिन इस हॉट सीट पर पारा अभी से चढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत है जो विक्रमादित्य सिंह को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। जुबानी जंग में कोई भी भारी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा इसका फैसला तो 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिमाचल के बाद बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला है और ये कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल के लिए एक आपदा के समान है। दरअसल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर हमले के बाद ये प्रतिक्रिया आई है अमित मालवीय की, और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल के लिए एक आपदा है, बंगाल के लोग अत्याचार का जवाब देंगे। अमित मालवीय ने बंगाल सरकार पर यह हमला बोला। दरअसल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है, जिसका आरोप, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आरोप लगा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। अमित मालवीय ने कहा है कि जो अत्याचार हो रहे हैं फिलहाल प्रदेश में, उसका जवाब जनता जरूर देगी, बंगाल के लोग जवाब देंगे, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और खुद ममता बनर्जी एक आपदा के समान एक डिजास्टर है बंगाल के लिए, अमित मालवीय का यह बयान। और चलिए इसी बीच आपको बता दें, कुमाऊं रीजन में 26 जगहों पर भड़की आग लगभग 34 हेक्टेयर तक वन संपदा पहुंचा रही है। नैनीताल के आसपास ही आग धधक रही है और इसी बीच वन विभाग के साथ सेना भी आग बुझाने में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की लगातार कोशिश चल रही है। जंगल के ऊपरी हिस्से में आग भड़की हुई है, तस्वीरें आप देखिए, लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दूर जंगलों तक आग फैलती चली गई, जिसके बाद सेना की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड का ये मामला है जहां पर आग का तांडव आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कैसे धुआं धधक रहा है, आग की लपटें जो हैं ये काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के जंगल लगातार धधक रहे हैं और ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जंगल लगातार जल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में एक दो नहीं बल्कि कुमाऊं के जंगलों में 26 जगहों पर आग लगी है और प्रदेश के 31 जगहों पर आग लगने की घटना हुई है। इसमें सर्वाधिक आग लगने की घटना कुमाऊं के 26 स्थानों पर हुई। तमाम देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, ये जंगल जल चुके हैं, जलकर खाक हो चुके हैं। स्थानीय लोग इनको यहाँ पर आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, ग्रामीण यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो क्षेत्रीय जनता है वो भी लगातार यहाँ पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि लगभग 34 हेक्टेयर क्षेत्र फल में वन संपदा को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। प्रदेश में नवंबर 2023 से अब तक की अगर बात की जाए तो 575 वनहानि की घटनाएं हुई हैं, इसमें लगभग 690 हेक्टेयर क्षेत्र को वन संपदा को नुकसान पहुँचा है, यानी कि 690 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं इस जगह की जानकारी यहां पर लेते हैं क्योंकि आग लगातार लगी हुई है। आप स्थानीय व्यक्ति हैं, आपका नाम? मेरा नाम केएस मर्तोलिया है। मर्तोलिया जी, इस वक्त हम कहां पर मौजूद हैं, गिरना चाहिए? ये यहां पर सरकारी कॉलोनिया है जी, यहां हाईकोर्ट कॉलोनी और ये फुल्ड हाउस कॉलोनी है और ये पाइन से आईटीआई का क्षेत्र है। पाइन से आईटीआई क्षेत्र नैनीताल? जी, नैनीताल में है। हाँ जी, यहाँ सब सरकारी कॉलोनिया यहाँ पे है जी, और यहाँ पे आग इसलिए 2-3 दिन से लगातार लग रही थी। कल जो है हमारे द्वारा भी बुझाया गया यहाँ पर, ये जान माल का नुकसान भी इसमें हो सकता था। हमने जल्दी मतलब आग पर जल्दी काबू पा लिया, वो फायर वाले भी आ गए थे। सेना का जहाज भी आज लगातार बुझा रहा है। हाँ, तो सेना का जहाज भी यहाँ घूम रहा है। हाँ, घूम रहा है। तो देखिए तमाम ये क्षेत्र जो है, ये नैनीताल भवाली का क्षेत्र है, आईटीआई आग की चपेट में आने से यहाँ पर बच गया, लेकिन ये पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं पूरा जंगल जलकर खाक हो गया। और बात ही निकल कर आ रही कि अभी अप्रैल का महीना है, मई में भीषण गर्मी होनी है, अभी ये हालात है तो मई में क्या होगा, क्योंकि लगातार हेक्टर पर हेक्टर क्षेत्रफल आग की चपेट में है और ये लगातार आग